दो 2024 का एग्जाम आपने दिया है और आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से इस रिजल्ट का तो आपको बता दें कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट जो है वो कब आने वाला है और फाइनली उससे पहले जो है आपका फाइनल आंसर की कब आने वाला है एनटीए की नोटिस पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने नोटिस दिया है तो लास्ट तक बने रहिएगा मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले अगर बात करें हम कि आज जो है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए आज हैं वो है कि फाइनल आंसर की कब आएगा रिजल्ट कब आएगा और उन सब चीजों के बीच जो एनटीए की एक नोटिस आई है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं री एग्जाम कराऊंगा तो इन तीनों मुद्दों पे बात करेंगे इन तीनों मुद्दों पे बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एनटीए टी इस नोटिस पर एनटीए ने एक नोटिस जारी किया कल और उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है, जाते जाते है।, है? तो है सात से नौ जुलाई के बीच में पहले उन्होंने कहा था पहले उन्होंने कहा, कहा चीज को ध्यान समझिएगा पहले उन्होंने कहा था कि तीस जून के पहले जिन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को हमें मेल किया था और मुझे लगा था कि उनको कंसीडर uh, करना चाहिए तो मैं उनका री एग्जाम लूंगा और 15 से 19 जुलाई के बीच में लूंगा ठीक है लेकिन अभी कल जो नोटिस आई उसमें इन्होंने कहा है कि उसके अलावा सात से नौ जुलाई के बीच में भी जो हमें प्रॉब्लम्स बताए हैं जिन बच्चों ने उन बच्चों के मेल को भी हम जो है कंसीडर करेंगे उनकी प्रॉब्लम को भी सुनेंगे ठीक है और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कह दिया है कि हम जो है री एग्जाम कराएंगे और री एग्जाम कब कराएंगे 19 जुलाई 2024 को शुक्रवार के दिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे यह तो रही री एग्जाम के बाद साथ ही साथ इन्होंने साथ ही यह भी लिखा है कि बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट द फाइनल आंसर की आर बिगनिंग आंसर की जो है वो बन गया है इनके हिसाब से इनकी नोटिस के हिसाब से और इन्होंने ये कह दिया है कि जल्दी ही जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीयूटी यूजी दो यूजी रिजल्ट डेट एंड टाइम जो है वो अनाउंस कर दिया गया है ये इनके सोर्स ने एक बताया है इनके सोर्स ने कहा है और सोर्स ने ये भी कहा है कि यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार रिसेंटली अनाउंस सोर्स के द्वारा बताया गया है अनाउंस दैट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करंटली वर्किंग द फाइनलाइज द सीयूटी रिजल्ट एंड विल बी शॉर्टली डिक्लेयर्ड एट द डेट ठीक है तो मान के चलिए कि जिस हिसाब से ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस हिसाब से अपनी चीजों को दिखा रहे हैं कि हम सही हैं उस हिसाब से जल्दी ही ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है कि आप रिजल्ट तो डिक्लेयर कर देंगे मेरे भाई लेकिन उनके साथ साथ आप हमको ये बता दीजिए कि आप रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे आप नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे अगर आप री एग्जाम उन्नीस को करा रहे हैं तो क्या उस री एग्जाम का प्रभाव बाकी बच्चों पर पड़ेगा बाकी बच्चों के रिजल्ट पे पड़ेगा जो बच्चे री एग्जाम देंगे क्या उनका रिजल्ट और इनके रिजल्ट में बहुत अंतर आएगा ये कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के जवाब एनटीए देने से कतरा रहा है या दे नहीं पा रहा है बस वो अपनी बातें कह रहा है जिसे हम सुन पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हो सकता है ये 19 का एग्जाम करा करके और लगभग लगभग अगर संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मान के चलते हैं कि रिजल्ट जो है वो 22 या 23 को ये दे सकते हैं जिस हिसाब से लेकिन अगर रिजल्ट 22, तो कम कम तो 23 को इनको देना पड़ेगा और इतना जल्दी देने की संभावना है, थोड़ी कम दिख हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक चीज क्लियरेंस दिख रही है मुझे कि 30 जुलाई जो मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि 30 जुलाई तक फाइनल आंसर किया जाएगा जो अगस्त से इनको सेशन स्टार्ट करना है तो एक महीने इनको लगेंगे क्लासेस शुरू करने में और काउंसलिंग कराने में और मान के चलिए सितंबर से सेशन स्टार्ट कर सकते हैं बाकी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें जैसे इतना दिन हमने इंतजार किया कुछ दिन और करते हैं ठीक है हमारे सब्र का बांध टूट रहा है आपका भी टूट रहा है मैं समझ रहा हूं इन सब बातों को लेकिन बस मैं इसलिए आ रहा हूं इसलिए चीजों जैसे ही पता चल रही है ताकि आप घबराए ना आप फोन मैसेज करके जो घबरा रहे हो वो घबराए ना जो भी चीज हमारे पास आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं ठीक है इसके अलावा आपके आ, हम लाइव सेशन भी लेंगे लाइव में भी आएंगे आपसे बातें भी करेंगे कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे उन सब चीज़ों के अलावा एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है और दूसरी चीज़ ये कि, कि किसका किसका री एग्जाम है अगर मेल आया है तो हमारे कमेंट सेक्शन बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना शेयर करिए मेल ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम उस पर बात कर सके उस पर अपने लाइव सेशन में चर्चा कर सकते हैं उस मेल को अपने लाइव सेशन में कंसिडर कर पाए ठीक है थैंक यू सो मच जय हिंद